गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए, आपको भू रासायनिक जैव रासायनिक चक्र बताया जा रहा था, उनमें से आपको नाइट्रोजन चक्र और जल चक्र बताया जा चुका है। देखिए, जो जैव रासायनिक चक्र हैं ये दो रूपों में पाए जाते हैं, एक गैसीय रूपों में और एक अवसादी रूप में। लेकिन जल जो चक्र बताया गया वो ना तो गैसीय रूप में है और ना तो अवसादी रूप में। इसके बाद आता है ऑक्सीजन चक्र। ऑक्सीजन चक्र आपको मालूम है, वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, जो जल के यौगिकों के रूप में होती है। ये ऑक्सीजन हमें CO2 और H2O के रूप में प्राप्त होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल से प्राप्त होती है, क्योंकि जल का निर्माण भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन चक्र, क्योंकि ऑक्सीजन एक जीव को जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के जीवन संभव नहीं है। तो इसके लिए कई तथ्य बताए गए हैं कई स्टेप में। तो सबसे पहले होता है कि जो सजीव की संरचना का निर्माण होता है, सजीव की संरचना का निर्माण जो है वो आपको मालूम है ऑक्सीजन से के माध्यम से ही होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो सजीव का निर्माण नहीं होगा। फिर इसके बाद जब तक ये ऑक्सीजन जीव के शरीर में तब तक रहती है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। मृत्यु के बाद वो अपघटित होकर के कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में फिर वातावरण में उत्सर्जित हो जाती है। इसी प्रकार दूसरा है, हरे पेड़ पौधे ऑक्सीजन जो ग्रहण करते हैं, क्योंकि हरे पौधे में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया CO2 और जल आपस में मिलते हैं, तो उसमें जो है क्या है, सूर्य के प्रकाश की किरणों द्वारा पर्णहरित की उपस्थिति में क्या बनता है, भोजन का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो हरे पौधे CO2 और जल को लेकर के ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, जो वातावरण में स्वतंत्र रूप से पहुंचती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी ऑक्सीजन का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि कार्बन जो ऑक्सीजन मुक्त हुई है वो फिर से CO2 और जल के रूप में पौधे उसको ग्रहण कर लेते हैं। इसी प्रकार पौधों में जो श्वसन होता है, तो श्वसन क्रिया में भी आप जो ऑक्सीजन लेते हो, तो या हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं या पौधे जो ऑक्सीजन लेते हैं वो क्या करते हैं, श्वसन क्रिया में CO2 को मुक्त करते हैं। ऑक्सीजन आपने लिया और मुक्त क्या किया, CO2 और जल। जब CO2 और जल को मुक्त किया तो उसकी ऑक्सीजन फिर वातावरण में चली गई और फिर उस ऑक्सीजन को आपने श्वसन क्रिया में ग्रहण कर लिया। तो इसी प्रकार जो है, और फिर जो है आपको मालूम है कि ये जो है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में है जो आपको ऑक्सीजन प्राप्त होती है, तो किसके किससे प्राप्त होती है, जैसे प्रकाश संश्लेषण में CO2 और जल मिल करके सनलाइट सूर्य के प्रकाश में पर्णहरित द्वारा C6H12O6 स्टार्च का निर्माण किया और किसको, ऑक्सीजन को मुक्त किया। तो ये जो ऑक्सीजन है तो इससे प्राप्त हुई, कार्बन और जल से, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ये ऑक्सीजन प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर क्या होता है, जल का अपघटन होता है, जिसके कारण आपको ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है वो किससे प्राप्त होती है, जल से प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन मुक्त होती वातावरण में जाती है, फिर हम उसको CO2 और जल के रूप में पौधे या जल से उसको ग्रहण कर लेते हैं। इसी प्रकार जो है श्वसन में भी सभी पौधे जो है CO2 को पुनः पौधे के काम में आ जाती है, जो श्वसन क्रिया में जो CO2 मुक्त होती है वो पुनः पौधों के काम में आ जाती है। तो इस प्रकार जो है ये श्वसन चक्र को आप ऑक्सीजन चक्र को इस प्रकार चित्र के द्वारा, रेखा चित्र के द्वारा आप समझ सकते हो। जैसे वायुमंडली स्वतंत्र ऑक्सीजन इससे क्या होता है, पौधों में श्वसन होता है, पौधों में श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, इससे क्या मुक्त होता है, जल और CO2 मुक्त होती है। फिर ये जल जो है CO2 से मिलकर क्या बनाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पौधों के लिए क्या जरूरी है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड कच्चे मटेरियल के रूप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। फिर इसमें जो ऑक्सीजन मुक्त हुई
से कहां चली गई, वायुमंडल में। आप तो वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% होती है। तो सबसे पहले तो श्वसन क्रिया हुई, श्वसन क्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली वो जल से क्रिया करके प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो गई, इसमें जो ऑक्सीजन निकली वो पुनः से वायुमंडल में चली गई। कभी-कभी ये जो ऑक्सीजन है इसका उपयोग पौधों के श्वसन में होता है, तो इससे क्या निकलती है, CO2 निकलती है। श्वसन में क्या होता है, CO2, और CO2 से फिर क्या इसका उपयोग जल और CO2 का उपयोग प्रकाश संश्लेषण में, तो इससे क्या बन जाता है, भोज्य पदार्थ बन जाता है। यानी कार्बनिक भोज्य पदार्थ किससे बनते हैं, CO2 और जल से, तो भोज्य पदार्थ और ये क्रिया फिर से जो है ये इस प्रकार फिर श्वसन में आ जाता है। तो इस प्रकार ये चक्र बन जाता है जिसे ऑक्सीजन चक्र कहते हैं। इसके बाद आता है कार्बन चक्र। तो देखिए जितने भी जीव हैं पृथ्वी पर उन सबका निर्माण कार्बन के द्वारा हुआ है। कार्बनिक यौगिक जितने भी निर्माण, क्योंकि कार्बनिक यौगिक में कार्बन का होना आवश्यक होता है, और कार्बनिक यौगिक का मुख्य स्रोत क्या है, पेड़ पौधे जीव जंतु, कोल तार पेट्रोल डीजल पेट्रोलियम, ठीक है कोल तार आपका। तो जितने भी ये प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम का मतलब पेट्रोल नहीं है, पेट्रोलियम के कई उत्पाद हैं जैसे पैराफिन मोम वैक्स आपका जो है, ये पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, ये सब पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का मतलब होता है पेट्रा, पेट्रा माने होता है चट्टान, ओलियम माने होता है तेल, चट्टानों से निकला हुआ कच्चा तेल वो पेट्रोलियम कहलाता है, और उसके कच्चे तेल से कई प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, उनमें से पेट्रोल डीजल मिट्टी का तेल पैराफिन मोम, ये बहुत सारे कॉस्मेटिक जो आपकी चीज़ें होती हैं सौंदर्य प्रसाधन की एरोसोल स्प्रे वगैरह, इन सब में इनका उपयोग होता है, ठीक है। फिर ये जो है आपका जो कार्बन चक्र है, कार्बन चक्र में आपको मालूम है कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा कितनी होती है, 0.03% होती है। क्योंकि हम जो कार्बन ग्रहण करते हैं डायरेक्ट नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ग्रहण करते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर वातावरण में पहुंचती है कार्बन के रूप में, क्योंकि कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 0.03% कार्बन चक्र में। तो ये कार्बन चक्र में होता क्या है कि आपको मालूम है कि प्रकाश संहारे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा उनको क्या चाहिए, कच्चा मटेरियल CO2 चाहिए और जल चाहिए, क्या मुक्त करेंगे आपका ऑक्सीजन, लेकिन उसमें बना क्या, खाद्य पदार्थ जो बना, ग्लूकोज बना या भोज पदार्थ जो बना C6H12O6, उसमें भी तो आपका कार्बन है, तो वो कार्बन आपका फिर से आपको प्राप्त हो जाता है जो वातावरण में फिर से पहुंच जाता है। इसी प्रकार जो जीव जंतु होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं जब वो मृत हो जाते हैं तो उनके जलाने से जो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में मुक्त होती है वो कार्बन के रूप में फिर से वातावरण में पहुंच जाती है। इसी प्रकार श्वसन क्रिया में भी होता है कि जो आपने ऑक्सीजन ग्रहण की है उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें भी कार्बन वातावरण में पहुंच जाता है। इसी प्रकार जो है बहुत सी क्रियाएं होती हैं जैसे श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है, तो इन सब क्रियाओं में कार्बन किसी न किसी रूप में वातावरण में उनका पहले उपयोग होता है, उपयोग होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वातावरण में फिर से वायुमंडल में पहुंच जाती है। तो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ही प्राप्त होती है। फिर इसी प्रकार जैसे बहुत सी वस्तुओं को जलाते हैं जैसे प्लास्टिक है, लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोलियम पेट्रोल है, ये ईंधनों को जलाने से भी या दहन में भी क्या होता है, आपको मालूम है दहन में भी कोई भी कार्बनिक यौगिक का दहन करोगे तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है जो वातावरण में पहुंचती है कार्बन के रूप में, और ये इस प्रकार कार्बन चक्र पूरा हो जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जल चक्र और कार्बन चक्र का बताया गया है, बाकी इसका फिगर कल माध्यम से बताया जाएगा, फिगर के माध्यम से कार्बन चक्र को एक बार और, ठीक है बेटा, थैंक यू।